नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर को एक और असफलता हाथ लगी है। द लेडी किलर सिनेमा घरों में 3 नवंबर को रिलीज हुई। इसमें अर्जुन और भूमि को मर्डर मिस्ट्री के बीच अफेयर करते दिखाया गया था। ट्रेलर देखकर लग रहा था कि क्राइम और सस्पेंस से भरी ये फिल्म अच्छी होगी, लेकिन रिलीज के बाद सारा गेम उल्टा पड़ गया। लगता है कि लेडी किलर के स्टार्स और मेकर्स को भी मूवी की नहीं पड़ी थी, तभी तो अर्जुन कपूर ने भूमि ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया था, न ही किसी ने का प्रमोशन किया था। बिना किसी बज के मूवी पर्दे पर रिलीज हुई। 3 नवंबर को सिनेमाघरों में आई इस पिक्चर का फिर वही हाल हुआ जो इस सिचुएशन में होता है। ये मूवी पहले दिन ही फ्लॉप हो गई। फिल्म को देखने के पहले दिन पूरे मुंबई में 300 लोग ही पहुंचे। द लेडी किलर के ओपनिंग डे पर महज 293 टिकट बिके। ऐसे में फिल्म की पहले दिन कमाई 38,000 रुपए ही हुई। कोविड काल के बाद से अभी तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने इससे खराब कमाई पहले नहीं की। ये नंबर सही में शॉकिंग है। डायरेक्टर अजय बहल ने द लेडी किलर का निर्देशन किया है। इससे पहले उन्होंने ऋचा चड्ढा, अक्षय खन्ना और मीरा चोपड़ा स्टारर फिल्म सेक्शन 375 बनाई थी। इसे सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक में खराब रिस्पॉन्स देखने को मिला है। देश भर की जनता अर्जुन और भूमि की फिल्म को देखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। फिल्म का ट्रेलर भी इनकी रिलीज से 5 दिन पहले ही रिलीज किया गया था, जो किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने जैसा लग रहा था। अगर र्यूमर्स पर यकीन करें तो माना जा रहा है कि इस वीकेंड के बाद फिल्म द लेडी किलर को सिनेमाघरों से हटा दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि यह फिल्म ओटीटी पर आ सकती है। देखना होगा कि अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की इस फिल्म के साथ आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।